मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। लोटस रूट मतलब कमल के फूल यानी कमल की जड़, नीलम्बोनेसी परिवार का एक जलीय पौधा है। कमल का फूल हजारों सालों से एशियाई देशों में पाया जाता है। यह पवित्रता और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक है। यह कई सांस्कृतिक प्रथाओं और धर्मों में महत्वपूर्ण तत्व है। यह सुंदर झूल फूल झील धारा नदी आदि में उगता है। इसकी जड़ें पानी के अंदर और फूल और पत्ते पानी के ऊपर होते हैं। यह बारहमासी जलीय पौधा है। इसके बीज निष्क्रिय होने के बाद लंबे समय पर अंकुरित होते हैं। कमल की जड़ 4 फीट पानी के अंदर फैली होती है। इन्हें निकाल कर धोया काटा और तैयार किया जाता है। यह बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इसका उपयोग एशियाई व्यंजनों में सब्जी के रूप में किया जाता है और इन्हें हिंदी में कमल ककड़ी कहा जाता है। इसे पकाने के कई तरीके हैं। पारंपरिक हर्बल दवाओं में प्राकृतिक या पाउडर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सलाद के रूप में भी किया जाता है। इसकी बनावट आलू की तरह होती है और इसका स्वाद थोड़ा मीठा और नारियल की तरह होता है। कमल ककड़ी में विटामिन खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें शामिल हैं पोटेशियम फास्फोरस तांबा लोहा मैंगनीज के साथ साथ थियामीन पेंटोफेनिक एसिड जस्ता विटामिन B6 विटामिन सी। इसके साथ साथ यह फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत भी है। कमल ककड़ी में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, लेकिन इसको कच्चा खाने से परजीवी या बैक्टीरियल संक्रमण फैल सकता है। इसलिए इसे हमेशा पकाकर खाना चाहिए, नहीं तो बुखार पेट में दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किसी किसी को एलर्जी भी हो सकती हैं। इसके सेवन से पहले आप किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन को कम करता है। इस प्रकार शरीर में चीनी अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा हो करा जाता है। इसलिए कमल रूट को अच्छा मधुमेह भोजन माना जाता है। शोध में पाया जाता है कि कमल रूट का उपयोग डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मधुमेह से लड़ने में मदद करते हैं। लोटस रूट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए बहुत लाभदायी हैं। कमल ककड़ी हमारे अंगों में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए रक्त के संचालन को उत्तेजित करके कार्य क्षमता और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करती है। इसमें मौजूद लौह और तांबा लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को बढ़ाने और रक्त की कमी को पूरा करने के साथ साथ जीवन शक्ति और रक्त के प्रवाह में वृद्धि करने में मदद करता है। पाइरीडॉक्सिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक प्रमुख तत्व है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका रिसेप्टर्स के साथ संपर्क करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मनोदशा और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। यह चिड़चिड़ापन सिरदर्द और तनाव के स्तर को नियंत्रित करता है। कमल ककड़ी में पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखता है। यह रक्त प्रवाह में सोडियम के प्रभावों को कम करता है। पोटेशियम एक वाहिका विस्फारक है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और उसके संकुचन और कठोरता को कम करता है। इससे रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है और परिसंचरण तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर तनाव कम हो जाता है। पोटेशियम तंत्रिका गतिविधि का भी एक आवश्यक घटक है और मस्तिष्क में द्रव और रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। कमल ककड़ी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो मल त्याग के लिए बहुत अच्छा होता है। यह कब्ज के लक्षणों को कम करती है और पाचन और गैस्ट्रिक रस के स्राव के माध्यम से पोषक तत्व और अवशोषण को अनुकूलित करती है। यह आसान और नियमित मल त्याग के लिए चिकनी आंतों की मांसपेशियों में पेरिस्टाल्टिक गति को उत्तेजित करती है। कमल की जड़ में विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम कमल की जड़ में हमारी दैनिक आवश्यकता का 73% शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी होता है। विटामिन सी कोलेजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो रक्त वाहिकाओं के अंगों और त्वचा की अखंडता और शक्ति को बनाए रखता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर सकता है, जो कोशिकाओं में मेटाबोलिक और मेटाबोलिज्म के खतरनाक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनके कारण कैंसर और हृदय रोग जैसी समस्याएँ होती हैं। पोटेशियम में रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने की क्षमता होती है और डाइट्री फाइबर में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है। कमल की जड़ में मौजूद पाइरोडॉक्सिन रक्त में होमोसिस्टीन के स्तर को नियंत्रित करता है और सीधे दिल के दौरे को जन्म दे सकता है।
कमल ककड़ी वजन कम करने में भी मदद करती है। इसमें पोषक तत्व और फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है और कैलोरी बहुत कम होती है। इसके सेवन से आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और हमारा पेट बहुत समय तक भरा महसूस होता है, जिसके कारण हम अधिक खाने से बचते हैं और हमारा वजन कम होता है। कमल की जड़ों में विटामिन ए पाया जाता है, जो त्वचा, बाल और आँखों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, यह मैकुलर डिजनरेशन और अन्य स्थितियों को रोकने में मदद करती हैं। यह घावों को तेजी से अच्छा करती हैं, त्वचा को साफ करने और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। एंटीऑक्सीडेंटों में समृद्ध कमल की जड़ त्वचा के कंडीशनर के रूप में काम करती है। इसके उपयोग से त्वचा हाइड्रेटेड और मॉइस्चर रहती है और त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। यह त्वचा की फाइन लाइंस को हटाने, ब्राउन स्पॉट्स और झुर्रियों को हटाने में मदद करती है। कमल की जड़ का बाहरी उपयोग तैलीय त्वचा को सुरक्षित कर सकता है और मुहासों और दोनों के ब्रेकआउट को रोकता है। कमल के पत्ते का पेस्ट त्वचा की सूजन और बुखार को कम करने में भी मदद करता है। शोध से पता चलता है कि कमल की जड़ श्वसन प्रणाली के लिए भी लाभदायक है। यह श्वसन तंत्र को साफ करने और शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। खांसी से राहत पाने के लिए इसकी चाय का सेवन किया जाता है, क्योंकि यह बलगम को पिघला देती है। टीबी रोग और अस्थमा के इलाज के लिए इसके रस का सेवन बहुत लाभदायी है। धन्यवाद।